गुरु बन गए, गुरु तत्व, अखंड गुरु तत्व, और पूरा भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को पकड़ा दिया भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में। और अर्जुन ने शिष्य के तरह उस ज्ञान को स्वीकार किया। एक शिष्य की पूर्णता क्या होती है? कनिष्य वचनम तब, कि आप जो भी कहोगे गुरुदेव मैं वही करूंगा, ये वास्तव में शिष्यों की पूर्णता है। शिष्य कभी ये नहीं कहता है कि गुरुजी आप चुप रहिए मैं आपका पैर छूता हूँ, गुरुजी आप बोलो मत, गुरुजी बोलो नहीं, आप बस लिफाफा ले लिया करो, गुरु आप बस मुंह बंद रखो, क्योंकि सत्य सुनना सबका बस का नहीं है। सब लोग चाहते हैं मेरी बढ़ावा हो, मेरी बढ़ाई की जाए, गुरुदेव भी मेरे सवा सीधे बढ़ावा दे, बढ़ाई करे गुरुदेव भी मेरा। लेकिन गुरुदेव का काम, जो गुरु होता है उसका काम बढ़ावा देना नहीं है, बढ़ाई करना नहीं है आपका। एक चीज हमेशा याद रखना, गुरु का काम है कि आप अगर गलत हो उस गलती को आपको सुधारना, और जो भी सत्य है वो आपको बताना। जब आप आपके नोटबुक चेक करते हो तो आप क्या देखते हो कि मेरा गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, मैंने कहाँ कहाँ पे गलती की है, मिस्टेक की है, और साथ में ये भी देखते थे मैंने कहाँ कहाँ सही किया है, कहाँ मैं राइट हूँ। गलतियाँ देखते थे, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो वो देखते थे, इसलिए तो सुधरोगे, इसलिए आप सुधरते हो, उसको बाद में सुधर लेते थे। और आजकल के जो गुरु होते हैं वो तो आपका गलती बताता नहीं है, सब सही है, तू बहुत बढ़िया कर रहा है, ऐसे ही करते जा, बस तू मेरे को पैसा देते जा। गुरु भी पाखंडी, गुरु भी गया। भागवत क्या कहता है, श्रीमद् भागवतम क्या कहता है, जो ब्याज आसन में बैठ के अगर वो सत्य नहीं बताता है, जो कथा बोलता है वो अगर आपको सत्य नहीं बताता है, आपका गलती नहीं सुधर देता है, तो वो भी नरक में जाएगा, वो एक नरकगामी है। तो पहले नरक गुरु जा रहे हैं आगे, और पीछे पीछे चेला, तुम बने गुरु हम बने चेला, दोनों मिलके नरक में करेंगे ठेलम ठेला। क्योंकि वो शिष्य नहीं है, वो चेला है। चेला कभी चेला नहीं बनना, बनना है तो शिष्य बनना। क्या बनना है हमें? शिष्य बनना है, चेले चपेटा नहीं बनना है हमें। चेला का काम होता है चेलेपंती करना, और शिष्य का काम होता है शिक्षा ग्रहण करना, ज्ञान प्राप्त करना अपने गुरु से, ना कि चेला बनकर चेले ही चपेटा करते रहना बकरी की तरह। एक प्रामाणिक, एक आदर्श गुरु के पास जाओ और खुद को शिष्य के रूप में समर्पित करो, और उनसे ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करो। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।